हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 अगर एक्स के इक्वल है तो बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 किसके इक्वल होगा। फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इनमें से अपने जो आपको लगता है करेक्ट आंसर है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान, जो कि डिफिकल्ट लगता है लेकिन है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज इक्वल टू एक्स। रूट में 12 है जबकि मुझे क्या चाहिए 4/3। तो आपकी सारी कोशिश इसी 12 पे अटक जानी चाहिए कि मैं इस 12 को 4/3 कैसे बनाऊं, जो कि मुश्किल नहीं है। देखिए जी ध्यान से, मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 3, राइट। 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं। गौर से देखो, 4 तो बन गया, और क्या करना चाहिए। अगर 4 बन गया है तो मेरे को तो डिनोमिनेटर में भी 3 चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड करता हूं और एक 3 डिनोमिनेटर में भी लगा देता हूं। क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक 3 से एक 3 कटेगा, बनेगा तो वही 12 ही। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को आसान बना लिया। मुझे चाहिए 4/3, दैट मीन्स मेरे को ये वाला 4 भी चाहिए, नीचे वाला 3 भी चाहिए। तो ये जो 3 × 3 पेयर में आ रहा है, इसका क्या करें, स्क्वायर रूट वाला प्राइम फैक्टराइजेशन कंसेप्ट यूज करिए। 3 दो बार आ रहा है तो ये 3 पेयर बाहर आ जाएगा और एक बार 3 लगेगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, एक 4 बचा और एक 3 बचा। देखो कितने आसान कैलकुलेशन स्टेप है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 2 × 3 था, मैं 3 को बाहर ले आया, तो अब ये 3 दूसरी तरफ जाकर x के नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 वाला जो कंसेप्ट होता है, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 यहां पर कितना आएगा जी, x/3 आएगा, और वो ऑप्शन कौन सी है, डी ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं, उसका आंसर आप बताइएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 14 इज इक्वल टू एक्स, देन रूट 7/2 इज इक्वल टू व्हाट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 2/x, x/2, x+2 या x-2। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाइए जो अभी हमने सीखा था, और उस कंसेप्ट को लगाकर आप बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, ताकि आपको भी पता चले, हमें भी पता चले कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है, इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।